मित्रों, तब अब देखते हैं आज की प्रस्तुति ध्रुव स्वामी। और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना? क्यों, मंदाकिनी नहीं आई? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से मीरा बप्पान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? किसी शैल माला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो। बोलो, ये क्या मेरे भाग्य विधाता? आखिर ये कैसा इंद्रजाल है? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहूतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या भी शाप था? इस राज की अंतःपुर में सब के सब जैसे एक रहस्य छिपाए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरी किसी भी बात का उत्तर भी ना दो, क्या इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? हाँ, यह असहाय है। इस राजकुल में क्या एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा? जिधर देखो बस कुबड़े बौने, हिजड़े भैरे और गूंगे। स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूं। यहां संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। तो तुम बोल सकती हो, तो फिर ये कपट आचरण क्यों? एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को तो आप भूल ना गई होंगी। वही ना जो मुझे बंदरी बनाने के लिए गए थे। ये आप क्या कह रही हैं? कुमार को तो खुद अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है आखिर उनका अपराध क्या है? अपराध भला मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर आप उन पर कुछ उपकार कर सकेंगी? भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो स्वयं ही अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। राजा का मुझ पर कितना अनुग्रह है ये भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो आज तक उनका सरल संभाषण तक नहीं सुना। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहा। तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ राज्य अधिकार तो छोड़ ही दिया,
उसके साथ साथ अपनी एक अमूल्य निधि। अमूल्य निधि वो क्या? ये अत्यंत गुप्त है देवी, परंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वो निरभ्र प्राची का बाल अरुण, राज चक्र सबको पीसता है। पिसने दो, हमने सहायों और दुर्बलों को पिसने दो। देवी, प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने से वही काई जो बिचलन बनकर गिरा सकती है, आज दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। वो बहुत दूर की बात है, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुसाता है। कुमार की सुंदर, सरल और स्निग्ध मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का अपना भाई आश्चर्य। कुमार को इतने में ही संतोष हो जाना चाहिए कि कोई उन्हें विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उन्हें अपने बल पर ही विश्वास होगा, किंतु उन्हें कोई भी ऐसा कार्य ना करना चाहिए जिनसे उनकी परिस्थितियां और भी भयानक हो जाए। अच्छा, तू अब जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहां भेज दे, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहती हूं। देवी, सायकाल हो चला है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रश्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं? चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहां? ये तो स्वर्ण पिंजर है। महादेवी, महादेवी कहां है? महादेवी, अरे अरे, ये उतावली क्यों? भट्टाड़ किधर आए हैं क्या? मेरे आंचल में तो छिपे नहीं है, होंगे किसी कुंज में। अपराध क्षमा हो देवी, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजते हुए हम यहाँ आए हैं। होंगे कहीं, यहाँ नहीं है। चिंता चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर ही जाना पड़ेगा। ए ठहरो। हाँ जी, तुमने अपना काम अच्छा किया, किंतु मैं समझ नहीं सका कि वो अब भी चंद्रगुप्त को प्यार करती है या नहीं। हाँ बताओ, बताओ। महाराज शकु ने तुमसे मैंने कह दिया ना कि मुझे अभी अवकाश नहीं, ठहर कर आना जाओ। हाँ तुम बताओ। राजाधिराज, शकुन ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हमारे शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकुन ने दोनों ही ओर से हमें घेर लिया है। दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी सुरक्षित है। हाँ तुम मुझे बताओ, क्या ध्रुव देवी मन ही मन में चंद्रगुप्त को, हाँ है ना मेरा संदेह ठीक? बताओ बताओ। अपराध क्षमा हो देव, हम आते युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध, युद्ध तो यहां भी चल रहा है, देखती नहीं? जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं
मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में एक टीस है, और जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वो स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। हे, सुना ना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वो मुझे और मुझसे ही प्रेम करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। जाओ। देव, कुछ आवश्यक बातें करनी है। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा महाराज? हाँ, समझा। तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। अमात्य, ये तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझे ना? यही गिरिपथ अमात्य, यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य, इसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए। महाराज, पहले इसे पढ़ लीजिए। क्या? हाँ, चौंकिए मत, ये घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। है तो ऐसा ही अमात्य, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। हैं? तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए महाराज। सोचा तो है मैंने अमात्य, किंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? महाराज, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विपरीत रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्र गुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही तो आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के अनुसार ज्येष्ठ राजपूत। वो तो मैं जानता हूं अमात्य, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। ये तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। सफलता भी सामने दिखाई दे रही है अमात्य। हाँ, थोड़ा साहस चाहिए बस। वो क्या महाराज? शब्दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो, उसे अस्वीकार न करना चाहिए अमात्य। ऐसा करने से संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति होगी, उन सबको हम सहज में ही हटा सकेंगे। भविष्य के लिए चाहे अच्छा हो, किंतु महाराज, इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तब तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी अमात्य? और हाँ, वो चंद्रगुप्त के मनोभावों का कुछ पता चला? कोई नई बात तो नहीं। मैं देखता हूं कि पहले मुझे अपने अंतापुर के विद्रोह का दमन करना होगा। वो ध्रुव देवी, उसके हृदय में वो चंद्रगुप्त, उसकी आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। ये असंभव नहीं, किंतु महाराज, इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थिति राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। ये एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में ही है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। हाँ, तो चलो अमात्य। भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है मंदा, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनैतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ये सब समाचार
मुझे कुमार चंद्रगुप्त को शीघ्र ही देना होगा। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उनमें, परंतु उन्हीं का बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी कहीं का, जी तो करता है किस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में ही अपने को छिपा लूं। पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? नहीं, मुझे अपना हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहां रुकना होगा। न्याय का ये दुर्बल पक्ष मुझे ग्रहण करना होगा। हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। जैसी आज्ञा महादेवी। तो मैं कह आती हूँ कि हम आपके से कल महादेवी भेंट करेंगी। ठहरो तुम, वो गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करनी होगी। मगर ये तो बताओ, तुम्हारे राज्य के नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी होगी, तब राजा से भेंट होती है। ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह ना करना चाहिए। मैं महादेवी ही हूं ना, यदि ये सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहां बुला सकती हो? मैं चाहती हूं अमात्य के साथ साथ कुमार से भी कुछ बातें कर लूं। क्षमा कीजिए महादेवी, इसके लिए तो पहले अमात्य से ही पूछना होगा। युद्ध भयानक युद्ध हो रहा है, कितने होगा मित्र? बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए उस पे चढ़ाई करूंगा। अरे, मैं हूँ नलकुबर की वधू, दिग्विजय भी है, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना, आज मेरे ससुर और आर्य पुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से नहीं आए, और कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी ज्यादा चल रही है, और भी ये कुबर तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना नलकुबर हो और ना ही कुबेर? तुम्हारे इन वस्त्रों से मैं धोखा ना खाऊंगा, तुम पुरुष हो, युद्ध करो। अरे अरे अरे, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं स्त्री हूँ स्त्री, कोई मुझसे ब्याह भले ही कर सकता है, युद्ध में क्या जानू। महादेवी, महादेवी की जय। स्वागत महाराज। दुहाई राजाधिराज की, मुझ हिमालय का कुबर दुखने लगा है, ना तो ये नल कुबर की बहू मेरे कुबर से उठती है, और ना तो ये गोना मुझे विजय ही कर लेता है। वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या? वामन के बलि विजय की गाथा और तीन पगों की महिमा सब लोग जानते हैं, मैं तीन लात में इसका कुबर सीधा कर सकता हूँ। तो लगा ना भाई बोने, फिर ये आचल हेमकुट बंधा तो छूट जाए। देखो जी, मैं हूँ नलकुबर की वधू, इस पर बैठी हूँ। छोट छोट छोट, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी स्त्री बन गया। मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं स्त्री हूँ स्त्री, युद्ध मैं नहीं जानती। अच्छा, तू नलकुबर की स्त्री है ना, तो मैं दिग्विजय का उपहार समझकर तुम्हारा हरण करूंगा। देखो बाप, चुप कर,
विवर्जिता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। अरे ओ दिग्विजय, सुन तो, अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। एक विलक्षण घटना है अमात्य, है ना? देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से यहाँ आया हूँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण ना करूं इतना ही तो। वो और भी कुछ चाहता है। क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? नहीं देव, बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। क्या कुछ कहो भी अमात्य। क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना पड़ा। वो कहता था कि शकराज से महादेवी का विवाह संबंध स्थिर हो गया था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उन्हें उपहार में गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए वो शकराज महादेव। क्या कहते हो अमात्य, क्या वो महादेवी को मांगता है? हाँ देव, और साथ ही अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों को भी मांगता है। आह, ठीक ही है, अब उसके यहां सामंत हैं तो उनके लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ अमात्य, क्या ये सत्य है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर दिया था? महाराज ये तो मुझे नहीं गया। महादेवी, अमात्य ये क्या कह रहे हैं? इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य का स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है। बताइए अमात्य जी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है, यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? फिर तो महादेवी से पूछिए। और आप लोग कुबड़े बौने और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि किसने सुख दुख में मेरा साथ ना छोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। किसने ली थी? कोई बोलता क्यों नहीं? तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूं? क्यों नहीं, किंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की होगी। अरे मैं तो उस दिन द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था, रोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये तो हुई राजा की व्यवस्था, अब जरा सुनूं मंत्री महोदय क्या कहते हैं। मैं कहूंगा देवी की उचित समय देख राष्ट्रहित में उचित सम्मति लेना ही तो मेरा कर्तव्य है। नीति सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र की रक्षा सभी उपायों से करने का आदेश है, उसके लिए राजा रानी कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राष्ट्र विसर्जन अंतिम उपाय है। वाह वाह अमात्य वाह, क्या कहा है तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु दूत होने से ही क्या व्यक्ति भूल नहीं कर सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या क्या क्यों? कुछ नहीं, मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, अपनी इस नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम हमें बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, आप लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहां से चली जाऊंगी। राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं महाराज, जब तक संधि के नियमों का पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। लगता है इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। उपाय नहीं तो ना हो निर्लज्ज अमात्य, मैं फिर दोबारा ऐसा प्रस्ताव नहीं सुनना चाहती। इस छोटी सी बात का इतना बड़ा उपद्रव,
मेरा तो कंठ सूखने लगा। अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल महादेवी ही नहीं किंतु एक स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। ठहरिए अमात्य, मैं भी चलता हूँ। ठहरो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए। सुनिए, मेरे पिता ने उपहार स्वरूप मेरा कन्या दान किया था, किंतु क्या गुप्त साम्राज्य अपनी पत्नी शत्रु को यूं उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए, क्या मेरा स्त्रीत्व इतने कभी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी कहलाने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, किंतु स्वयं के लिए मैं कितना आवश्यक हूं कदाचित तुम ये नहीं जानती हो। राजा, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूं इसी विश्वास पर। वो सब मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि मैं आज से सिर्फ तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति मिलने पर राजाओं और पुरुषों को बहुत सी स्त्रियां और रानियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। तुम्हारा ये घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। नहीं, 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 तुम मेरी रानी नहीं, 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 जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, और आज मैं ये किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, तो इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? हाँ, निर्लज्ज, मध्यम, क्लीन, तो क्या इसका मतलब मेरा कोई रक्षक नहीं है? नहीं, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं कोई उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूं। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। क्या तुम मेरी हत्या करोगी? हाँ? तुम्हारी हत्या? नहीं, तुम जियो, भेड़ सा तुम्हारा ये शुद्र जीवन उसे नहीं लूंगी। मैं स्वयं अपनी ही जान दे दूंगी। किंतु तुम्हारे मर जाने पर वो बर्बर चक्राज उसके पास किसको भेजा जाएगा? ए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। नहीं नहीं, अरे नहीं, हत्या, 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 दोनों, दोनों, हत्या, हत्या, क्या करो? कैसी हत्या? ये क्या? महादेवी ठहरिए। कुमार, तुम्हें भी इसी समय आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ।
मुझे मेरे अपमान में निर्वसन नग देखने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। मुझे अपने को मृत्यु की चादर से ढक लेने दो। किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूं? तुम सुनोगे? नहीं, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो। ये तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में शैले कीट के डंक की तरह चुबो दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो क्या मेरी दुर्दशा का पुरस्कार कुछ और है? तो क्या मेरा ये जीवन ये भी मेरा नहीं? नहीं देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। दुख की कठिनाइयों में इसे नष्ट कर लेना कोई ठीक बात तो नहीं। तुम ही आए थे ना उस दिन, तुम ही मुझे ले जाने आए थे ना। तुम्हारा वो विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में इतना प्रसन्न क्यों था? मैं गुप्त कुल की वधु को आदर सहित लेने गया था, तो प्रसन्न क्यों ना हो? तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी तरह तुम्हें मेरे साथ चलना होगा कुमार। ये कैसा परिहास है देवी? कुमार ये परिहास नहीं है, राजा की आज्ञा है। ये नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने अपना राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका ये अपमान नहीं हो सकता। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पद दल इतना होना पड़ेगा। और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए खुलने का प्रयत्न किया। हाँ। कहो ना कुमार। देखो देखो तो कुमार, ये भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। और आपसे तो वो भी करते नहीं बनता। देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे ना भूलना चाहिए। हाँ मात्य, हाँ। तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर संधि कर लेते। अरे यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील ना हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए मैं उसे विचल भाव से ग्रहण करूंगा, किंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। वाह मात्य, भले ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, क्या तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए? अमात्य ये कैसी विवशता है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक और महादेवी महादेवी प्राण देने के लिए प्रस्तुत, तो फिर यह हिचक कैसी? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, यदि जीते तो राष्ट्र और सम्मान दोनों बचेंगे, नहीं तो सर्वनाश। मंदा, भला तू कहां से उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है मात्य, देखो देखो ये स्त्री क्या कह रही है। दुर्भिसंधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। तो आओ हम स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिन मुझसे सीखना होगा। हाँ हट, तुम नहीं बन सकते स्त्री, तुम्हारे ऊपर कठोर आवरण है। हाँ कुमार, मैं अपने हाथों से सजा दूं, तुम्हें देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए। हाँ उसे छोड़ दो कुमार।
यहाँ पर सिर्फ एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में से किस किस को निकालोगे? तो ठीक है अमात्य, तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें मुझे तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की सम्मति भी अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ चक्राज के शिविर में जाऊंगा। अगर जीवित रहा तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। नहीं, नहीं कुमार, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। छोड़ो, छोड़ो! ये कैसा नर्क, सबके सामने कैसी निर्लज्जता! ये पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा तुम्हें इससे क्या? शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वारे लज्जाशील पुरुष! राजाधिराज आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़े तो फिर मेरे जाने से क्या? तब मैं ना जाऊंगा। नहीं, ये मेरी आज्ञा है। अन्य सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये कैसा अभिनय! मुझे तो पहले से ही शंका थी। और आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। अनार्य, निश्चर, मुझे कलंक काली माँ के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहायता, मुझे अमृत पिलाकर मेरा जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूं। देवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, परंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ वहां जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं है कुमार, क्या रानी की बात भी ना मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि जिस तरह मुझे लाए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊं। कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है ये जानते हो? तुमसे और मुझसे एक साथ छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो? हम दोनों
दोनों ही जाएंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करते समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ उमा। और एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा वो ध्रुव स्वामिनी का वेश, अगर ध्रुव स्वामिनी ही ना देख पाए तो फिर किस काम का। उसे बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वो अंधे नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। विपत्ति? विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी होगी। हाँ, चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, कुछ देर अपने बिखरे हुए मन को यहां संभाल लेता हूं। कोमा, कोमा, कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा। तुम इतनी रूठी हुई से क्यों बोल रही हो? रूठने का स्वभाव मुझे मिला ही तब। आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल ना जाना चाहिए। तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या परिस्थितियां सरल हो रही हैं? तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यतीत नहीं करना चाहता, किंतु मेरे सामने जीवन और मरण का प्रश्न है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते महाराज। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उसे जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसंग उल्लास मनुष्य के जीवन में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन ना होना चाहिए महाराज। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलताओं के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय को नहीं निकला था। किंतु संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यही तो मुझसे नहीं हो सकता। अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है? ये शिक्षा अभी रहने दो,
मैं किसी से बड़ा नहीं हूं तो किसी से छोटा भी नहीं रहना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। पाषाणी? हाँ हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने सुंदर स्रोत बहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती, प्यासों की तृप्ति केवल। किंतु मुझे इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। महाराज महाराज खिंगल। कहो जी, क्या समाचार है? महाराज मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हमारा अवरोध दिन है। उन्हें दो में से एक करना होगा, या तो अपने प्राण दे अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। तो वो समझ गए? दूसरा उपाय क्या था? वो छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था, पर उसे इस बीहर पहाड़ी और घाटियों का अनुभव ना था। किंतु सभी बातों को समझकर वो अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। खिंगल 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 खिंगल। हे, तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या रामगुप्त ने मेरा दूसरा प्रस्ताव भी मान लिया? हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सभी उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामी भी आपकी सेवा में शीघ्र उपस्थित होंगी। खिंगल कितना सुंदर समाचार तुमने सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, ये उनकी पराजयों का प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल होगी। मैंने अपने सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। हाँ महाराज, वो भी साथ ही आएंगी। तो फिर सोने के झांझ वाले नृत्य का प्रबंध किया जाए, इस विजय का उत्सव मनाया जाए। जी महाराज। के आगमन की सूचना हो गई है, दुर्ग के द्वार अब शीघ्र ही बंद होंगे। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल महाराज, दुर्ग द्वार में शिविकाएं आ गई हैं। तब विलंब क्यों? किंतु रानी की एक प्रार्थना है। क्या? वो पहले केवल श्रीमान से सीधा भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। मर्यादा? मर्यादा।
भाग्य ने जिन्हें झुकने के लिए विवश कर दिया हो उनके मन में मर्यादा का प्रश्न और भी अधिक रहता है। यही उनकी दयनीय दशा है। हाँ महाराज, वो श्रीमान की रानी बनने के लिए तो आ रही हैं। अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना? तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। जी महाराज। महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? तुम अभी तक यही हो? मैं तो भूल ही गया था, मेरे समीप आओ कुमार। नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से? नई रानी का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा कुमार? संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूं। हाँ, जो बातें राजा को पसंद आए वो मुझे भी रुचनी ही चाहिए ना। तुम इतनी अनुभूतिमय हो ये मैं आज जान सका। राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर अलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरस शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई। क्या वो मेरा भ्रम था? कह दो कि वो तेरी भूल थी। भ्रम नहीं कोमा, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। तब भी ये बात? कौन सी बात? वही जो होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गौरव की पूर्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? पागल कोमा, वो तो मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। किंतु क्या राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं लिया जा सकता? बस, जो बात समझ में ना आई उस पर विवाद मत करो। मैं क्यों ना करूं? किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, ये मैं समझ गई हूं। धर्म पूछ, मैं वंदना करता हूं। कल्याण बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया था, तू उदास क्यों? आचार्य, रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने उसकी रानी को अपने दुर्ग में आने की आज्ञा दी थी। आज उसकी रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है? ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके जो तुम भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी, ये अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी? अरे, क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपनी आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? कहो, इसमें भी संदेह है। राजा, स्त्री का स्नेह विश्वास भंग करना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर इसके परिणामों को भी सोच लो। आप मेरे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा होगा। राजनीति? परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना बहुत बड़ी हानि है। हे शकराज, तो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। बस, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूं। चल को इस दुर्ग से बाहर चल। पिताजी। बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है,
विनीत और आकर्षक भी किंतु दुखदायी। हृदय को भेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वो दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने पर मेरे ही पैरों से उलझ गई। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां टूट जाए और वो छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ना, ऐसी कठोर आज्ञा ना। हाँ, तेरी भलाई होती तो मैं चलने को ना कहता। कोमा, हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे विश्राम करेंगे। चल। तो चलूं? एक क्षण के लिए तू नहीं मानती तो देख। नील लोहित रंग का धूम केतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। तब एक घड़ी के पागल लड़की। हाँ जी। अच्छा, तो मैं फिर आऊंगा। तू सोच ले, विचार कर ले। जाना ही होगा तो मन में ये उलझन क्यों? मंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह ना सकेगा। तो चलूं? पिताजी। कोमा। जाती हूं राजा। भयानक भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, काश का उच्च श्रृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। इस मंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, आचार्य को रोको। वो जो आज्ञा देंगे मैं करूंगा, परंतु इस मंगल की शांति होनी चाहिए। वो बहुत चिढ़ गए, उन्हें प्रसन्न करना अब सहज नहीं। वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए प्रतीक्षा करते होंगे। कोमा, पिताजी के साथ? हाँ, पिताजी के साथ। और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? प्रेम का नाम ना लो, वो तो एक पीड़ा थी जो छूट गई। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं तो दर्प से दीप, तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसका आकाश के नक्षत्र क्या बना बिगाड़ सकेंगे? तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत। कोमा, कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, आचार्य को बुलाओ। जाती हूँ राजा। कोमा, कोमा, कोमा। महाराज की जय हो। महाराज, रूप स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो वो आ जाए। कह दो के काम था। जी महाराज। ठहरो, कोई और ना आने पाए। जो आ गया महाराज।
क्या इसका कोई उपाय नहीं? इन्हें घबरा रहा है, आचार्य को बुला कर ले आना चाहिए, ठीक रहेगा। किंतु किंतु ध्रुव स्वामिनी भी तो आ रही है, फिर भी आचार्य को बुला कर देखता हूं। तुम आज कितनी प्रसन्न हो? और तुम क्या नहीं? मेरे जीवन निशीत का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में तुम पूरी उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? और जाओ कुमार, इस तुच्छ नारी जीवन को बचाने के लिए तुम्हें महान उत्सव की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा क्षणिक मोह मेरी परीक्षा न हो। मेरे शरीर ने जो चाहे रूप धारण किया, किंतु मेरा हृदय निश्चल। अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं? तीखे वचनों से मर्माहत कर आज कोई भी मुझे मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख। ऐसा तीव्र आलोक मैंने कभी नहीं देखा। तुम में से ध्रुव स्वामिनी कौन है? ये मैं आ गई हूं। शकराज को तुम बुद्धू नहीं बना सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है ये गंधा भी बता सकता है। चंद्रे, ये तुमको क्या हो गया है? क्या अगर तुम्हारी इच्छा क्या रानी बनने की हो गई है, या फिर चक्रात से मुझे बचाने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहां से लौट जाने पर भी क्या उस गुप्त कुल में मैं कभी रह पाऊंगी? चंद्रे कहकर मुझे पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। तो क्या मैं यहां भी चली जाऊंगी? बस क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? क्या हैं इसमें क्या आपत्ति? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है पहले इसका निर्णय होना चाहिए। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूम केतु सी अपनी गति बंद करो। धूम केतु सुनिए। चंद्रे, इस धमकी का कोई लाभ नहीं। तो फिर तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ ही होगा। तो डरता कौन है? ये क्या कर रहे हो? आचार्य मीरदेव ने ठीक कहा है, आश्रु मुहूर्त नहीं है। ठहरो, मैं कल किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय करूंगा। आज विश्राम करो। नहीं, इस बात का निश्चय तो आज ही होना चाहिए। मैं कहता हूं ना। बार है कहने वाले। कौन प्रवंचक? मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, और मैं अकेला आया तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। हिंगल पकड़ लो।
महादेवी की जय हो। महादेवी। हाँ। विजय का समाचार सुनके राजा धीराज दुर्ग में आ गए हैं। अभी वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है महादेवी कहाँ हैं। आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। क्या कहा है? यही ना कि राजा मुझसे पूछकर यहाँ आ सके। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। जी महादेवी। और सुनो तो। जी। तुमने ये नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? घाव अब चिंताजनक नहीं है, उन घावों पे पट्टियाँ बंध चुकी हैं और वो अभी प्रधानमंडल में सो रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। जो आज्ञा महादेवी। भाभी 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 बधाई हो। नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। मंदा, आज भूल से ही तुमने एक प्यारी बात कह दी। क्या उसे भी लौटा लेना चाहती हो? यदि ये सत्य होती तो क्या इसमें भी संदेह? मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखलाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूं और ना ही तुम्हारी भाभी। तब मैं क्या करूं? क्यों, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसीलिए मैं सुस्तैन करने आया था। परंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी नहीं हूं। पुरोहित जी, मैं राजनीति तो नहीं जानती, किंतु इतना जरूर समझती हूं कि जो स्त्री शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वो महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। परंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो मंदा, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे राजा से कभी सरल संभाषण तक करने का अवसर ना मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया था, तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकारों की रक्षा की भीख मांगी थी, वो भी नहीं मिली और मैं बलि पशु की तरह शक दुर्ग में भेज दी गई। क्या तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? हाँ? ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तो ये जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महारानी देवी ने इस दुर्ग पे अपना अधिकार किया है। आप झूठ बोलते हैं। मैं और झूठ? हाँ, आप और झूठ, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। तो क्या आप वेदांत की बात करती हैं? हाँ, फिर तो संसार मिथ्या ही है। संसार मिथ्या है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, परंतु आप, आपका कर्मकांड और शास्त्र क्या सत्य है? सदैव रक्षणीया स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। बेटी, तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ये रोष है। हाँ, मैं रोष में चली जा रही हूं। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह वैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो ये मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी देखो कितना सुंदर है। ये चंद संहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक यहां दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूं। क्या अब भी तुम्हारा ये स्वस्थयन मुझे शांति दे पाएगा? आर्य, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो धर्म के नियामक है ना। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनके सब अधिकार छीन लेते हैं, क्या तब आपके धर्म के पास उनके लिए कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं होता जिनसे वे स्त्रियां आपत्ति में अवलंब मांग सके?
तो क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से केवल संतुष्ट होकर रहने की आज्ञा देकर ही आप विश्राम ले लेते हैं? नहीं नहीं मंदा, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार और रक्षा ही विवाह कहलाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीव पति द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थ और शांति की आवश्यकता नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? विश्वास नहीं होता। यदि ये सारी बातें सत्य हैं, तो मुझे फिर से धर्मशास्त्र देखना होगा। तुम लोग कौन हो? मैं पराजित छक जाति की एक बालिका हूं। और मैंने प्रेम किया था, और इस घोर अपराध का क्या दंड मिला तुम्हें? वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं। शत्रुओं को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। पागल लड़की, हो चुका ना, क्या अभी तो ना चलेगी? तुम चाहती क्या हो? रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार भले ही तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य, तुम्हारे भी जीवन में वो आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। चलो, प्रेम के नाम पर चलना चाहती हो तो शव को ले जाकर चलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता प्राप्त हो चुकी है। अवश्य तुम्हारा ये जीवन धन्य है। इसे ले जाने दो। जी महादेवी। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं ना समझ सकी हूं। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से मानो एक साकार घृणा निकलकर मुझे लौट जाने का संकेत कर रही हो। क्यों? क्या ये मेरे मन का कलुष है? क्या मैं कोई मानसिक पाप कर रही हूं? नारी हृदय, जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र मानो कील की तरह गड़ गया हो, और वो उसे उसके सरल
प्रवंतन चक्र में घूमने से रोक रहा। निश्चय वो कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। कौन मंदा? कुमार आप अभी थोड़ा विश्राम करते। विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अब यहाँ से प्रस्थान करने वाला, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। राजाधिराज कहाँ? परंतु भाभी की जो बुरी दशा है। क्यों, उन्हें क्या हुआ? बोलो मंदा। मंदा मुझे अवकाश नहीं, राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मुझसे नहीं सहे जाएंगे। परंतु क्या भाभी को ऐसी असहाय अवस्था में छोड़कर जाना उचित होगा? और वो तो आपसे और क्या, वही क्यों नहीं कहती हो मंदा? क्या वो भी कहना होगा कुमार? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वो आपसे छिपा है। किंतु उस पर चर्चा करने से अब क्या लाभ मंदा? हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके जरा सोचिए तो कुमार कि आपको आगे क्या करना है। महादेवी कहाँ गई? विधान स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर काली मां चढ़ा दी। मैं आज ये स्वीकार करने में संकुचित हो रहा हूं कि ध्रुव स्वामिनी मेरी, हां वो मेरी है। मैंने आरंभ से ही उसे अपनी संपूर्ण भावना से प्रेम किया। हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली मूक स्वीकृति आज हो नहीं। मैं पुरुष हूं? नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूं। आज मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। नहीं, ये शील का कपट मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूं वही तो स्पष्ट रूप से प्रकट ना कर सकता। ये कैसी विडंबना है, विनय के आवरण में मेरी कायरता को कब तक छिपा सके? कुमार, कुमार, कुमार! शकराज का शव ले जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या, उनका राजाधिराज के सैनिक साथियों ने बंद कर डाला। क्या? स्वामी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। तो फिर आप लोग इतने चंचल क्यों? राजा को आज्ञा देनी होगी और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। किंतु अब वो असहनीय है, राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूंगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। मेरे वीर सहाय को, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूं। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से ही शोक हो रहा है। मैं क्या कहूं? मैं सच कहता हूं, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए हमारे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। तनिक भी नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहां में किस मुंह से आए जो हिंसक, पाखंडी, शिव और क्लीव है? क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। चुप रहो, चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो? हाँ कुमार, ये क्या हो रहा है? दुर्विनीत, पाखंडी पामरो, तुम्हें इस दृश्यता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। इन विद्रोहियों को बंदी करो। ये
कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। आखिर किस अपराध के लिए दंड ग्रहण कर रहे हो? कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी ही पवित्रता की दुदुभी बजाते हैं, वो सबके सब साधु होते हैं ना? कुमार, तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं है। आखिर कहते क्यों नहीं कि तुम्हारा यही अपराध है कि तुमने कोई अपराध नहीं किया? महादेवी, झटक दो इन श्रृंखलाओं को कुमार, ये मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं। महादेवी चुप रहो। कौन महादेवी? जो शकराज की शैया के लिए किसी क्रीत दासी की तरह भेज दी गई हो, वो भी महादेवी? आश्चर्य। देवी, इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता है। चुप रहो। प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ के घृणित प्रपंच, चुप रहो। तो तुम महादेवी नहीं हो ना? नहीं, मनुष्य की दी हुई उपाधि मैं लौटा देती हूँ। और मेरी सहधर्मिणी? अब धर्म ही इसका निर्णय करेगा। इसमें भी संदेह है। वो तो अपने हृदय से पूछिए राजाधिराज, क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया बतलाइए। मैं समझता हूँ इस विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आखिरकार ये निर्णय हो ही जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ध्रुव स्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए। चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष मनोरथ हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओ, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं? शिखर, इसे भी बंदी करो। धैर्य महाराज, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। यदि तुम चुप ना रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, ये सब गुप्त सम्राट को शोभा नहीं देता। क्या देखते हो जी? चला। मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूं, और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूं। अपने राजा को लेकर सकुशल इस दुर्ग से चले जाओ। अब शक दुर्ग के समस्त अधिकारों का स्वामी मैं ही हूं। क्या? यही तो कुमार। इन सामंत कुमारों को मुक्त कराओ। कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हमें परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम नियमानुसार होना चाहिए। मैं उन्हें लिवा लाता। कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभियुक्त हूं। बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। अमात्य, तुम गौरव किसे कहते? वो है कहीं? रोग जर्जर शरीर, उस पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की डेरी पर कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो बोलो, मेरी वागदत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से ये उन्मत्त पिल्ला बंद करो। चंद्रगुप्त,
तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूं। मैं उसे मांगता ही नहीं, और क्षमा करने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं। तुम राजा नहीं हो। क्या? तुम्हारे पाप प्राश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। ये है गुप्त कुल की वजह। मंदा, राजा कब है मंदा का गला नहीं घोट सकता। यदि तुम लोगों में कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को बना के उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया है, परंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उसे लूटा है। मेरी इस परिषद से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने आर्य समुद्र गुप्त के विधान को तोड़कर राजकिल विष किया है उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? नारा कहेंगे तुम्हारी प्रपंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है ना, उसका अंत समीप है। ये ध्रुव स्वामिनी जिसे आप सब महादेवी कह के संबोधित किया करते थे कौन है? वो क्या है? उसका अस्तित्व कैसा है? यदि कहीं धर्मशास्त्र है तो उसका मुंह खुलना चाहिए। शिखर, तुम मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, पर इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह प्रदलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते। और भी, ये रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल विषय क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। तुम्हारे ये बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। बुलाओ उन्हें, मैं प्रस्तुत हूं। किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। राजनीतिक दस्यु, शास्त्रार्थ ना करो। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम जैसे कुत्तों के भौंकने पर नहीं छोड़ दूंगा। किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। रामगुप्त, तुम अभी यहां से चले जाओ। ये परिवर्तन चंद्रगुप्त, क्या मैं सचमुच क्लीव हूं? सचमुच क्लीव हूं क्या? सचमुच क्लीव हूं क्या? सचमुच क्लीव हूं क्या? तो
दोस्तों ये थी आज की प्रस्तुति नाटक ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। उम्मीद है आप सब ने इस नाटक का आनंद लिया होगा। अब मैं आप लोगों का कलाकारों से परिचय करा दूं। ध्रुव स्वामी की भूमिका में कृतिका सिंह, मंदाकिनी की भूमिका में शिप्रा तिवारी, पवन की भूमिका में दीक्षा, संदीप की भूमिका देवांश पराशर, रामदत्त की भूमिका रोहित गिरी, शिखर स्वामी की भूमिका में मोहित गुप्ता, शकराज की भूमिका में रविंद्र पंत, रोहित की भूमिका में अमित यादव, निजी देव की भूमिका में हर्ष प्रसाद, कोबरा की भूमिका में एंजेल, बोना की भूमिका में नितेश कुमार, हिजरा की भूमिका में रितेश, खरगरानी की भूमिका में तनया कालरा, दासी की भूमिका में निशा भारती इसका चहल, प्रतिहारी की भूमिका में रिम्पी खन्ना, प्रहरी की भूमिका में अखिलेश निषाद, सावन कुमार की भूमिका में नितेश कुमार, जंजय नहीं अखिलेश निषाद, डिजाइन और निर्देशन आज के नाटक का गोविंद सिंह यादव, कॉस्ट्यूम मैनेजमेंट मेघा अवडालचंद, संगीत हर्ष प्रसाद और सागरी, और अन्य उपकरण हर्ष प्रसाद सागरी और कार्तिकेय, लाइट डिजाइन गोविंद सिंह यादव, सेट डिजाइन राजेश सहन, मेकअप जितेंद्र, कॉस्ट्यूम प्लानिंग और डिजाइन मोतीलाल खरे और मेघा, नृत्य दिशाकानंद सोनिया पिया मेघा, प्रोजेक्शन थे दुष्यंत, ये जो हमारा संपूर्ण नाटक चला और थिएटर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है इसके पीछे आगे सारे काम का संभालने वाले रजनीकांत मंथुरा जी, अब मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथियों के लेकर मंच पर आ जाए। दीपांकर जी, मैं दीवान सिंह बजरी सर से आग्रह करता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाए। मैं प्रोफेसर उमेश राय सर से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के नाटक के निर्देशक को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। चलो एक बार फिर सिंपल जोरदार तालियों से।
मैं कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर रेणु चेयरपर्सन प्रोफेसर रेणु देशवाल से आग्रह करता हूँ कि आज की प्रस्तुति देखने के बाद दो सब जरूर करें। बच्चों ने देने का प्रयास किया और नीचे हृदय तक उतरा और इसके लिए भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। दीवान सिंह बजरी सर अच्छी बात है, प्रस्तुति इतनी अच्छी हो कि कहने वाले मौन रह जाए ये बड़ी बात है, ये प्रस्तुति की सफलता है। अब मैं चाहूंगा कि कलाकारों को उनका सर्टिफिकेट दिया जाए, इससे पहले जरूरी है जिस वजह से आज हमने नाटक देखा है, इस प्रस्तुति देखी है और इस प्रस्तुति के संपूर्ण निर्माता हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं गोविंद सिंह यादव जी, आज की प्रस्तुति पर उनका वक्तव्य सुने बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। मैं गोविंद सिंह यादव की स्वागत करता हूँ कलाकारों की प्रस्तुति पर। गोविंद सिंह मैं क्या बोलूँ, मुझे जो बोलना था सबसे बोल बोलने को कुछ नहीं बस है ना, तो सबके लिए थैंक यू, कॉलेज को थैंक यू मुझे मौका दिया और सारे एक्टरों का थैंक यू मेरे साथ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपको लगता है कि हम आपको सुने बिना छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं है, कैसे हो जाएगा प्लीज सर। दो सर प्रसाद का कोई भी नाटक मंचित होता है तो एक घटना होती है और कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रसाद के नाटक को किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और वो नाटक इतनी सफलता के साथ करना कि हम सबके मन में उसका प्रभाव अभी भी है और जहाँ से निकलने के बाद भी काफ़ी समय तक रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और मैं सभी छात्रों को और निर्देशक गोविंद सिंह यादव को इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत मुश्किल काम छात्रों ने किया। अब मैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार छात्र से आग्रह करता हूँ कि तो सब जरूर है। जब नाटक का चयन हम लोग कर रहे थे, मैं उसकी थोड़ी चर्चा करूँ तो कई नाटकों की चर्चा हुई सर ने, मैंने कहा था कि एक हम ऐतिहासिक नाटक ले, सर ने कहा ध्रुव स्वामी, मैंने कहा हाँ यही करना तो और उसको आप सबने बखूबी निभाया, बहुत अच्छा अभिनय किया, जितनी प्रशंसा की जाए तो मैं मुझे तो लोगों पर गर्व मैं इतना ही कर सकता। गोविंद जी मैंने बीच में आपको कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन आज कह रहा हूँ कि वाकई सब कुछ ठीक चला। आप सबों को जितनी बधाई दी जाए कम है, ऐसे ही आप काम करते रहिए और वाकई मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन आपको मिलेगा। सबको बधाई, मेरी टीम को बधाई, रंगायन की टीम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टीचर्स हैं उनको बधाई, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सर हमारे बीच आए प्रोफेसर उमेश राय सर, मैडम चली गई, बजेली सर हैं, सुरेश शर्मा जी चले गए, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास करके दर्शकों का
जिनके बिना यह प्रदर्शन अधूरा है, आप सबका बहुत बहुत आभार। कल के नाटक में हम मिलेंगे से कविता। कृतिका सिंह, कृतिका सिंह आ जाए। सिप्रा चौधरी, सिप्रा चौधरी। सिप्रा चौधरी, दीक्षा लोथरा, देवांश पराशर, रोहित गिरी, मोहित गुप्ता, अमित यादव, रविंद्र पंत, हर्ष प्रसाद, नितेश कुमार, रंजन, नितेश, निशु भारती, इसका चहल, रिंकी खन्ना, अखिलेश निशान, अखिलेश निशान, सागरी चक्रवर्ती जी भी आ जाए, गुलगुल खन्ना जी भी आ जाए, मेघा, राजेश बहन, दिशा कानन, सोनिया, प्रिया अग्रवाल, तो ये थी आज की प्रस्तुति ध्रुव स्वामी जिसका आप लोगों ने आनंद किया। आप सबका स्वागत है कल के नाटक कविता खराब आजाद में।